मन बुद्धि पर जिन्होंने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है वो योगी बन सकते हैं, दूसरा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। तो भगवान कृष्ण ने जब ये बात बड़ी मुखारविंद से बतला दी तो अर्जुन के मन में एक शंका पैदा हो गई, और वो ये, यदि ऐसी बात है, क्योंकि अर्जुन भी गृहस्थी था और संयतात्मा नहीं था, ब्रह्मचारी था नहीं, संयमी था नहीं, तो सारथ में वो योगी कैसे बनेगा, ये संशय अर्जुन के मन के अंदर पैदा हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया कि आपने ये कह दिया है असंयतात्मा योगो दुष्प्राप्य इति में मती, तो उस हालत में जो लोग योगाभ्यास करते हैं अयति श्रद्धयो पे तो योगाचरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगति कृष्ण गच्छति कच्चिन्न विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि एतन मे संशयम कृष्ण चेतुमर्रस्य शेहत तदन्य संशयस्याश्च चेत्ता नहीं उपद्यते। अर्जुन ने प्रश्न ये किया, एक व्यक्ति ऐसा है जो अयति है, अर्थात उसका अपने पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, किंतु श्रद्धालु है, उसके मन में श्रद्धा है, ऐसी हालत में अयति होने के कारण योग से उसका मन विचलित हो ही जाएगा। योगाचरित मानस है अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगति कृष्ण गच्छति, वो योग सिद्धि को न पा करके किस गति को प्राप्त होगा, ऐसा तो नहीं होता कांगति कत्तिम लोग है विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमश्चति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो योगी ही नहीं बन पाए और किसी प्रकार से साधारण रूप में भी न रहे, दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाए, योगी बने भी नहीं और इधर भी दूसरी कोई और कर्मकांड की भी गति करी नहीं, ऐसी हालत में कहीं ये तो नहीं हो जाता जैसे सर्दी में बादल उठते हैं थोड़ी देर दिखलाई दिए और वो फिर नष्ट भ्रष्ट हो जाया करते हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, तदन्य संशय चेतता नहीं उपद्यते, श्री कृष्ण तुम इस संशय का नाश तुम नहीं कर सकते हो, यथार्थ रूप में मुझे बतलाओ। भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया, उत्तर ये दिया, पार्थ नैवे है नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति मुतात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जाए थे अथवा योगी नाम में कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्मिधि दृशम। भगवान ने उसका उत्तर दिया, अर्जुन ऐसा व्यक्ति जो है मैं यहां नष्ट होता अब मैं परलोक में नष्ट होता, वो बड़े ऊंचे पुण्यात्माओं के लोक में जाकर के और बहुत लंबे समय तक वहां रहते हैं, वहां रहने के बाद शुचि नाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जाए थे पवित्र धनवानों के घर में उसका जन्म हो जाता है या योगियों के घर में उसका जन्म हो जाता है। भगवान कहते एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदि दृशम, इस प्रकार का जन्म प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल की बात, ये फिर जन्म प्राप्त होने के बाद हो जाने के बाद जब उसको ऐसा जन्म हो जाएगा तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते तत्र भूय संसिद्ध कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव वियते यवसो विषय विद्यासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
ऐसा आदमी जो है वो जन्म लेकर के फिर वो पहले जन्म जन्मांतरों का किया हुआ अभ्यास उसको विवश करता है और फिर योगाभ्यास करने लगता है। योगाभ्यास करते करते अनेक जन्मों के अंदर योग सिद्ध होकर के परम गति को पा जाए, ये भगवान ने आज्ञा। कहने का उपाय केवल मात्र एक रहा कि विचारानुगत समाधि में प्रवेश किया हुआ योगी यदि उसकी पूर्णता को नहीं पहुंच सकता, सबसे बड़ी खास बात तो एक है और वो ये, पूर्णता को वो योगी प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण ब्रह्मचारी है, पूर्ण संयमी है, पूर्ण जितेंद्रिय है। ऐसा व्यक्ति पूर्णता को पा सकता है। उसके अतिरिक्त अर्जुन के प्रश्नानुसार जो योगी योगाभ्यास करते हैं और पूर्ण नहीं हो पाती तो वो दिव्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, वहां बहुत समय तक रहते हैं, लंबे समय तक, और फिर उनका जन्म हो जाता है। जन्म हो जाने के बाद पूर्वाभ्यास नैव रियते यवसोपि स विद्यासुपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो जो पहले जन्मों का अभ्यास है वो उसको बाध्य करता है, बाध्य करने पर फिर दोबारा योगाभ्यास करते और फिर वो परम गति को प्राप्त हुआ। ये गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से ये बात बतलाई। उधर योगदर्शन के अंदर भगवान पतंजलि देव जी ठीक इसी बात को बतलाते, भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयाना। सूत्र ये है, भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम, विदेहानाम देवानाम प्रकृति लयानाम च योगिनाम भव प्रत्यो भवति। इसका अर्थ यह है, जो लोग स्वर्गलोक में से आते हैं उनको विदेह कहा गया है। विदेह विदेहा निर्जरा देवा, अमर कोश के अंदर इस प्रकार का लेख है, वो लोग विदेह जो कहलाते हैं उनके अंदर मनुष्य लोक जैसे उनके देह नहीं होते, देवताओं के उनकी ऐसे होते हैं, क्षण भर में शरीर बना ले और क्षण भर में फिर विलीन कर ली। बनाए रखे तो हजारों वर्ष बनाए रखें और न बनाए रखे थोड़ी देर के लिए बना दिए, फिर अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र विदा करते हैं और उनके शरीर दिव्य होते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे मलमूत्र त्यागने वाले शरीर नहीं होते, क्योंकि वो हमारे की तरह से अन्न खाने वाले नहीं होते, सोने वाले नहीं होते, मलमूत्र त्यागने वाले नहीं होते, इसलिए वो लोग अमर रहते। तुमने एक सिद्धांत की बात और सुनी हो, हमारे योग शास्त्र के अंदर तीसरी मुद्रा का जिक्र आता है और उसमें ये लेख है, न क्षुधा न त्रिषा तस्य यो मुद्राम वेत्ति खेचरीन। जो खेचरी मुद्रा को जान लेता है उसको न भूख लगती न प्यास लगती, किंतु बल उसका पूरा 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 बढ़ा रहता है। खेचरी का ये प्रभाव होता है। हिमालय के अंदर रहने वाले योगी जो खेचर सिद्ध हैं वो कई कई हजार वर्ष की उम्र वाले बचे रहते हैं। विशेषता में ये होती है कि अन्न नहीं खाते, वो खेचरी के द्वारा अमृत पीते रहते हैं, इसलिए वो अजर अमर रहा करते। देवता जो अमर हैं उनका भी यही कारण है, अन्न वगैरह वो नहीं खाते, वो अमृत का पान करते हैं। हम लोग अमृत पीते हैं वो खेचरी के द्वारा पीते हैं, और वो लोग जो हैं स्वर्गलोक पर रहते हुए उनको स्वाभाविक अमृत मिलता है, अमृत ही उनका खाना है, अमृत ही उनका पीना है, इसलिए वो लोग अमर है। देखो तुम यहां देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए गए होगे, सब इस माघ कुंभ मेले के अंदर देवरा बाबा खेचर सिद्ध व्यक्ति, और तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, वहां जाकर के श्री प्रभु जी की जय कोई बोल देता है, उनका जिक्र कर देता है, तो वो हजार काम छोड़ करके
साहब उसको पहले दर्शन देते हैं, उसके सामने आ जाएगा। उसका कारण केवल मात्र एक है, श्री प्रभु जी ने उनको कीचर सिद्ध बनाया था। केतरी की पूर्णता देवरा बाबा को श्री प्रभु जी ने स्वयं प्रदान की थी। उसके फलस्वरूप जो बच्चे हमारे जाते हैं उनका वो सम्मान करते हैं, आदर पूर्वक बैठाते हैं, प्रभु जी के नाम पर चक निकल कर बाहर आ जाए। जगन्नाथ प्रसाद रावत जो पहले पुलिस के मिनिस्टर रहे हैं, तुम्हारे गुरु भाई हैं, आगरे में हैं, वो यहाँ आए थे, देवरा बाबा से मिले थे। उन्होंने देवरा बाबा से सवाल किया था प्रभु जी से आपका परिचय कैसे हो, तो उन्होंने फिर यथार्थ बात बताई कि श्री प्रभु जी कहीं से घूमते घामते मुरादाबाद आए थे और मुरादाबाद से वो मैं एक गांव में था वहां आए थे, वहां आकर के मेरी खेतरी अधूरी थी, उन्होंने मेरी खेतरी पूर्ण करा दी थी, ये मेरा अस्तित्व जितना है वो उनके कारण। ये जगन्नाथ प्रसाद रावत को देवरा बाबा ने बताया। यही जिक्र श्री प्रभु जी की जो हस्तलिखित पुस्तक है उसमें भी जिक्र आता है, प्रभु जी ने अपने हाथ से स्वयं लिखा है कि मुरादाबाद से के पास से 20-30 मील पर कोई गांव था, वहां श्री प्रभु जी गए। वहां पर एक ब्राह्मण बालक खेतरी का अभ्यास करता था, किंतु खेतरी उसकी अधूरी थी, तो हमने उसको खेतरी पूर्ण करा दी और उसकी समाधि रखने लगी। वो उस समाधि को पाकर निहाल। मेरा कहने का अभिप्राय केवल एक, वो ये कि जो लोग खेचर सिद्ध हो जाते हैं, जिनको खेचरी पूर्ण हो जाती है और अमृत पी कर रहने लगते हैं, वो लोग अगर अमर हो जाते हैं। ऐसे योगी हिमालय के अंदर कई कई हजार वर्ष की उम्र वाले अब भी बैठे हैं, जिनकी उम्र का कोई पता नहीं लगा। मैं एक उदाहरण की कथा तुम्हें सुना करके सच्ची घटना देखो। एक महात्मा थे, उनका नाम था स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम। उनके रिकॉर्ड सब मिलते। ज्योति प्रकाश आश्रम हिमालय को गए। हिमालय में जाने पर वो सिद्धों की तलाश करते रहे, किंतु कोई उनको योगी सिद्ध नहीं मिला। ये गाथा कल्याण के दसों वर्ष पहले के किसी अंक में पूरी छपी थी। जब उनको कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिले, उन्होंने अपने मन के अंदर यह धारणा कर ली कि देहम व पातेयम कार्यम व साधेयम, मैं या तो अपने काम को सिद्ध कर लूंगा या मेरा शरीर जाएगा चला जाएगा, शेर खा जाए, चीते खा जाए, किंतु मैं सिद्ध पुरुषों के दर्शन करके आऊं। एक बात की विशेषता थी जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। कल मुझसे कई लोगों ने कई प्रश्न किए साक्षात्कार करने की। दूरदर्शन बतलाता है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। जो लोग स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको सिद्धों के और देवताओं के दर्शन हो जाएगा। अच्छा, स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम जप और तप काफी मात्रा में करते थे और फल मूल पत्ते खाते हुए हिमालय के जंगलों में निकलते चले गए। जब ऐसे निकलते चले गए तो उनको एक ब्रह्मचारी मिला, जिस ब्रह्मचारी की उम्र 26 या 27 साल की दिखलाई दी। बिल्कुल गौरवर्ण था, सिर के बाल काले थे, शरीर हिष्टपुष्ट था। उस ब्रह्मचारी ने उनसे कहा, कस्तम कुतश्च आयातः, तू कौन है और कहां से आया है? तो स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम जी ने उत्तर दिया, मैं ऋषिकेश से आया हूं। उस ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? ज्योति प्रकाश आश्रम जी ने उत्तर दिया कि मैं ऋषिकेश से आया हूं और मेरे मन के अंदर सिद्ध दर्शन करने की इच्छा है, मैं सिद्धों के दर्शन करूंगा हिमालय में, तब लौटूंगा। उस ब्रह्मचारी ने कहा, तुमने कितना स्वाध्याय किया है?
जप तप कितना किया है, तो उसके उत्तर में ज्योति प्रकाश आश्रम ने कहा कि भैया जप तप तो विशेष नहीं है, तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया तो तुम्हें सिद्धों के दर्शन नहीं हो सकेंगे जब तक तुम जप और तप नहीं करो। खैर वो ब्रह्मचारी उनको अपने साथ ले गया, ले जाकर के एक बड़का दरखत दिखलाया, उसमें बड़के दरखत में एक छोटी सी गुफा सी बनी हुई थी, खोल बनी हुई थी, उसमें कह दिया तुम यहां बैठ जाओ, और एक जड़ी दिखला दी, ये जड़ी है इसको खा लिया करना, इसके खा लेने के बाद 8 दिन तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी और शरीर का बल जो है वो क्षीण नहीं होगा, तुम बलवान जैसे कि तैसे बने रहोगे, 8वें दिन फिर खा लिया करना, इससे तुम बल भी बना रहेगा और किसी कंदमूल फल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम यहां जब तप करते रहोगे, सिद्ध दर्शन के अधिकारी हो जाओगे, तब फिर मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें सिद्धों के दर्शन कराऊंगा। ये कह करके 26 या 27 साल का वो ब्रह्मचारी अंतर्ध्यान हो गया, वहां से चला गया। उसके बाद एक बरस स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम जी वहां रह करके जप और तप करते रहे और वो जड़ी खा खा कर रहते। एक बरस के बाद पुनः वो ब्रह्मचारी आए जो 25-26 साल के दिखाई देते थे, उन्होंने कहा क्यों तुम्हारा जब तप चल रहा है? ज्योति प्रकाश आश्रम जी ने कहा कि हाँ मेरा जब तप चल रहा है। तो कहने लगे अच्छा अब तुम सिद्ध दर्शन के अधिकारी हो गए हो, चलो मेरे पास साथ, मैं तुम्हें सिद्धों के दर्शन करा। ब्रह्मचारी उनको अपने साथ ले गया, ले जा करके उन्होंने सबसे पहले एक महात्मा दिखलाए जो बैठे हुए इतने बड़े थे जितने हम तुम खड़े होकर लंबे होते हैं, इतने बड़े वो बैठे हुए और वो समाधि में बैठे। ज्योति प्रकाश आश्रम जी ने पूछा ये समाधि से कब उठते हैं? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया ये 100 वर्ष में एक बार समाधि से उठ, 100 वर्ष तक समाधि में बैठे ही रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ उसका ज्योति प्रकाश आश्रम। फिर उसने पूछा कि ब्रह्मचारी जी आपने इनकी कितनी समाधि देखी है, अर्थात इनको उठे हुए कितनी बार देखा है? उस ब्रह्मचारी ने जवाब दिया कि मैंने इनको 7 बार उठे हुए देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रह्मचारी 700 वर्ष का था जिसको वो समझ रहे थे 25 या 26 वर्ष का। उनका अनुमान था कि 26-27 वर्ष का है किंतु था वो 700 वर्ष का। फिर उसके बाद वो ब्रह्मचारी उनको आगे ले गया, आगे ले जाकर के हिमालय की गुफा के अंदर कुछ सिद्धों के दर्शन कराए जो समाधि में बैठे। ज्योति प्रकाश आश्रम जी ने पूछा ये सिद्ध यहां कब की बैठे हैं? तो उस ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया कि ये महाभारत के जमाने से इसी तरह यहां समाधि में बैठे। महाभारत के जमाने को 5000 वर्ष से कुछ ज्यादा समय हो गया, तो इसका मतलब वो 5000 वर्ष से महासमाधि में बैठे। उन सब के सिद्धों के दर्शन कराए ज्योति प्रकाश आश्रम जी को। फिर ब्रह्मचारी ने कहा तुम चले जाओ यहां से। ज्योति प्रकाश आश्रम ने कहा अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मुझे सिद्धों के दर्शन हो गए, मैं यहीं रहूंगा। उस ब्रह्मचारी ने जवाब दिया मलमूत्र त्यागने वाला व्यक्ति और अन्न खाने वाला व्यक्ति यहां नहीं रह सकता, यदि तुम यहां रहने की चेष्टा करोगे भी तो सिद्ध लोग तुम्हें उठा फेंक देंगे, तो तुम जाओ स्वाध्याय करो, तप करो, जब तुम अधिकारी हो जाओगे उस समय तुम्हें हम लोग स्वयं ले लें। ये कह दिया। वहां से स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम जी लौट आए और लौट कर आकर के बिजनौर के अंदर श्रोत्रिय पंडित भगवतदत्त जी श्रोत्रिय थे, श्रोत्रिय उनके वो था, उनका जाति संबंध श्रोत्रिय ब्रह्म महाविद्यालय के अंदर
उन्होंने फिर आकर के उपनिषदें पढ़ी। पंडित भगवत जी शास्त्री मुझसे ऋषिकेश में मिले, मुझे उन्होंने बतलाया कि महाराज मैं क्या बतलाऊं। मैंने उनको उपनिषदें सुनाई, सुनने मात्र से ज्योति प्रकाश आश्रम को सारी उपनिषदें याद होगी। बड़ी दो तीन चार छह महीने में वो उपनिषदें सारी सुन करके मुझसे, मैं सुनाता रहता था, उनको याद होती रहती थी। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा हिमालय को चले। ये पंडित भगवत दत्त क्षोत्रिय ने मुझसे बताया था। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, बूढ़े थे उस समय। वहां जाकर के उन्होंने स्वामी ज्योति प्रकाश आश्रम जी ने अध्ययन किया। तो देखो, वहां पर सिद्धों ने ये कहा कि जो मनुष्य खाता है वो मरता है, जो सोता है वो मरता है। तो हम खाते नहीं सोते नहीं, इसलिए वहां के सिद्ध लोग जो है 5,000 वर्ष के 10,000 वर्ष के समाधि में बैठे हुए अगर अमर है, ये वहां से जान। मैंने तुम्हारे सामने अपने एक साथी वृंदावन में मिलने वाले अगर दत्ता का जिक्र किया था। वो भोजन नहीं किया करता था, कोई लाकर अच्छे पकवान उसके सामने रख देता था तो मुंह फेर देता था, भोजन नहीं करता। कोई कोई जब ज्यादा हट करता था तो वो एक ही उत्तर देता था, मारेगा मेरे को मारने आया है। मैं समझ गया तो मुझे मारना आया मेरे को। वो कहते नहीं महाराज, बात शुद्ध अन्न है, इसके मेरे मारने वाली कोई बात नहीं है, मैं खाकर दिखला दूंगा। नहीं नहीं नहीं, खा क्या दिखलाएगा, मारेगा तुम, मेरे मारना आया। एक बात मैंने अगर दत्ता से एक अंक पूछा कि तुम हर का हर आदमी का तिरस्कार कर देते हो और अन्न नहीं लेते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपमान क्यों करते हो। तो अगर दत्ता ने मुझसे ये बात बतलाई कि भाई देखो, संसार में दो आदमी मरते, कौन, ये जो खाता है और जो सोता है। तो हम न खाते न सोते, हम तो मरेंगे भी, हम तो अगर अमर हैं। तुम खाते हो, तुम खाते रहो। मैंने कहा अच्छा, भी यही ज्योति प्रकाश आश्रम को उस ब्रह्मचारी ने कहा कि यह लोग अमर हैं क्योंकि ये अन्न नहीं खाते, न मलमूत्र का त्याग करते, स्वाधिष्ठ रहते हैं, ये अगर। अच्छा, हमारे गुरु भाई हैं इस प्रकार की। हरिहरान जी के बारे में मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया था कि वो बलिया जिले में जगतपुर गांव के रहने वाले थे हरिहरान, और आजकल वो केशागिर साहा पहाड़ी पर समाधि में बैठे हैं। 3 महीने में एक बार समाधि से गुरु उठते हैं। प्रभु जी अपने मुखारविंद से ये कहा करते थे कि हरिहरान जो है वो, उसने सतचक्र विभेदन किया है और हमारे बच्चों के अंदर वो अजर अमर है। अगर अमर होने का अर्थ ये कि हरिहरान का शरीर काल का ग्रास नहीं बनेगा। कैसे वो समाधिस्थ हुए? जगतपुर में उनका नाम हरि राम था, वो किसी औरत को पीट रहे थे। जब श्री प्रभु जी ने देखा किसी औरत को क्यों पीट रहा है, इसको ऐसा नहीं चाहिए, तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज, इस ऐसी औरत को तो पीटना पीटना नहीं, जान से भी मार दे वो भी अच्छा। कहने क्यों, ऐसी क्या बात है? कहेंगे ये औरत गांव की बहु बेटियों को बेकार सिखा करके ऊंचे अधिकारियों को पेश करती है और उनसे इनाम लेती है। इसने सारे गांव की लड़कियों का चरित्र बिगाड़ दिया है, ये इसको ठीक पीट रहे। जब ये बात सुनी तो प्रभु जी प्रसन्न हो गए और हरिहरान को था उस समय नाम हरिराम था, अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, क्यों भाई, तू ब्राह्मण है क्या? हमारे ब्राह्मण तो कि ब्राह्मण देना ही देना जानते हैं या लेना भी जानते, लेना ही लेना जानते हैं या देना भी जानते हैं? कहेंगे महाराज, मैं तो देना ही देना जानता हूं, लेना भी जानता। अच्छा, दे देगा? हाँ दे देंगे। अच्छा, हमें तेरे सिर की जरूरत है, दे दे काट करके। कहेंगे 2 दिन ठहर जाइए। 2 दिन के अंदर उसकी 250-300 की जमीन थी, सब दान कर दी ब्राह्मणों को दान करके, और तलवार लेकर आ गया
कि मेरा सिर काट लो, आपको सिर जरूरत है। गांव के उसको जानने वाले लोग कहने लगे, महाराज इसका सिर आप क्या काटोगे, ये आपका ही काट लेगा। अच्छा भाई काट लेगा। प्रभु जी जगतपुर से दूर एकांत में उसको नहर के किनारे पर ले गए। वो नहर हम देख के आए थे पिछले साल। उस नहर के किनारे जंगलों के भीड़ के अंदर हरियाणा से कहा, कृपा सिर तू स्वयं काट दे, हमसे तो कटेगा नहीं, क्योंकि हम काटेंगे तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। हरियाणा ने अपना सिर काटने के लिए तलवार घुमाई। प्रभु जी ने वो तलवार लेकर के यूं तोड़ दी और तोड़ करके कह दिया, अच्छा बेटा आज से तू अगर अमर हुआ और महासिद्ध हुआ। ये प्रभु जी ने उसी समय वरदान दे दिया। उसी क्षण से हरिहरान जी अगर अमर हैं और ईशागिर पहाड़ी पर 3 महीने में एक बार समाधि से उठते। हमने अपने बच्चे टाट वाले बाबा को रघुनंदन प्रसाद को भेजा था हरियाणा की तलाश में। वो गया शीशा की पहाड़ी पर, वो पहुंच करके उसने लौट करके हमें जवाब दिया कि वहां पर विषैली हवा चलती है, जो वहां जाता है उसका शरीर फट जाता है। उसने मुझे दिखाया, उसका शरीर फट गया था, इसलिए मैं लौटाया। मुझे पता लग गया था कोई हरियाणा नाम के यहाँ योगी है, किसी गुफा में बैठे रहते हैं, किंतु मेरा शरीर बिल्कुल फट गया था, खून बहने लगा था, इसलिए मैं लौट आया। तो हमारे गुरु भाइयों के अंदर हरिहरान जी इस समय लगभग 100 साल 125 साल 150 साल के लगभग होंगे, क्योंकि जिस समय श्री प्रभु जी ने उनकी चरण शरण दी थी उस समय नौजवान थे 25-30 साल। और प्रभु जी के लीलावसान को 50 वर्ष 38 में अपान किया था, तो 40-80-50 वर्ष के करीब हो गया है। और उससे पहले 50 वर्ष का उसका पहले का उनका अपना, तो इसमें लगभग हरियाणा की उम्र 100 या 125 वर्ष की होनी चाहिए जो वहां समाधि। कहने का अभिप्राय कि जो लोग केचरी सिद्ध कर लेते हैं वो अगर अमरता को पा जाया करते हैं और उनकी स्थिति सब प्रकार से वो बने रहा करते हैं। हिमालय के अंदर बहुत से इस प्रकार के सिद्ध लोग हैं जो अगर अमर हैं। ये हमारे देवराम बाबा भी केचरी के कारण इनकी आयु काफी लंबी है। कहने वाले तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी बतलाते हैं, किंतु लगभग 150 साल के लगभग तो इनकी वो होगी ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो क्योंकि पहले रिकॉर्ड जो है इनके वो उसी समय के बताते हैं। प्रभु जी को जो मिले थे मुरादाबाद के पास में, ये सब बातें है। इसलिए जो लोग इस प्रकार की अगर अमरता को पा लेते हैं, तत्व विजयी महासिद्ध हो जाते हैं, वो अपने शरीरों को हजारों वर्ष तक कायम रखते हैं। लाखों वर्ष तक कायम कर ले, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैंने कल के व्याख्यान के अंदर विचारानुगत समाधि के प्रकरण के अंदर ये बातें बतलाई थी कि ऐसे लोग जो हैं उनकी दो गति होती है। योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि पूर्ण ब्रह्मचारी है, पूर्ण संयमी है, तब तो वो सिद्ध हो जाता है। यदि संयमी नहीं है और अभ्यास करता है योग का और किसी प्रकार से काम वासना में पड़ करके वो सफलता नहीं पा रहा, तो वो फिर इस ऊंचे स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, जिस जहां जाकर के करोड़ों वर्ष तक वहां रहना। मैं एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कर दूं, जिसका मैंने तुम्हारे सामने पहले भी जिक्र किया है। हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी गोपालानंद जी थे। गोपालानंद जी को प्रभु जी ने ये चाह ये तत्व विजयी बन जाए और उनको तत्वों की साधना कराई। जैसा कि मैंने तुम्हें एक दिन कहा था, मुझसे गोपालानंद जी कहने लगे, मैं आज अग्नि तत्वों का आकर्षण करूंगा। मैंने कहा भाई जी मैं देखूंगा कि देखना मैं कितना तपता हूं। तो वो समाधि में बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने अग्नि तत्व का आकर्षण किया
तो उनका शरीर जलने लगा, मैं हाथ भी लगा। दूसरे दिन उन्होंने कहा आज मैं जलीय तत्व का आकर्षण करूंगा, हमारे शरीर में पांच तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। यदि इन पांच तत्वों पर योगी अधिकार प्राप्त कर लेता है तो शरीर को जैसा चाहे वैसे बना सकता है, और खेचरी हो जाए तो उसी शरीर को अजर अमर बनाकर फिर रख सकता। ब्रह्मचारी जी को इस प्रकार की काफी साधनाएं इसी प्रभु जी ने कराई, किंतु वो अपने उच्चतम लक्ष्य को नहीं पा सके, वो साधनाएं उनकी विफल रह गई। ब्रह्मचारी जी जब श्री प्रभु जी ने देखा कि इस बात मार्ग में ज्यादा सत्य तो ये की ओर नहीं पड़ रहे हैं, उनका आकर्षण दूसरी तरफ बढ़ गया, ब्रह्म लोक की ओर बढ़ गया। तो श्री प्रभु जी ने ब्रह्मचारी जी को आज्ञा दी, हम तुम्हें एक सफेद कागज भेजेंगे बिना लिखा, जिस दिन हमारी सफेद चिट्ठी मिल जाए उस दिन तुम लाहौर को छोड़ देना और हमारे पास आ जाओ। ऋषिकेश जाकर के प्रभु जी ने कोरी चिट्ठी भिजवा दी और कोरी चिट्ठी को पा करके ब्रह्मचारी को पारायण दी। ऋषिकेश आए, पहले जो हरिद्वार आए थे, हरिद्वार में श्री प्रभु जी ने नरसिंह जी को भेज दिया कि जाओ कह दो ये मुरादाबाद चला जाओ, और उनको मुरादाबाद भेज दिया। मुरादाबाद में जाकर के उनका शरीर जाता। एक बार लाहौर में कृष्ण के नंबर दो में प्रभु जी जिक्र कर रहे थे, हमारे एक गुरु भाई थे बीपी कोशला, विद्या प्रकाश कोशला, उससे कुछ बातें कर रहे थे कि जो हम चाहते थे गोपारायण के लिए गोपारायण उस बार में सफल नहीं हो सका, ये गया दिव्य स्वर्ग अपने मुख से श्री प्रभु जी कह रहे थे। तो विद्या प्रकाश कार्य फिर भी कितने दिन के लिए गया, दिन के लिए करोड़ों वर्ष के लिए गया, और जब दोबारा आएगा तो आने के बाद योग मार्ग में ही लगेगा, योग का अभ्यास करेगा, किंतु करोड़ों वर्ष के बाद कौन गुरु मिलेंगे, किस प्रकार अभ्यास करेगा, कैसी योगी बनेगा, ये बात तो बहुत लंबी है, दूर की है। तो करोड़ों वर्ष के लिए गया स्वर्ग, ऐसा प्रभु जी ने प्रभु अरविंद से कहा। तो बात वही आ गई जो गीता में भगवान ने की अभी मुखारविंद से निकले हुए श्लोक मैंने बताए थे कि दिव्य स्वर्ग लोक को भोगने के बाद योगी जब जन्म लेता है तो उसको जन्म लेते ही जो पिछले धर्मांतरों का अभ्यास मिल जाता है, उस अभ्यास के अनुसार वो फिर योग करने लग जाता है, और फिर अनेक जन्म संसिद्ध तत्व यात्री परांगति अनेक दिन अभ्यास करते करते फिर योग सिद्ध हो जाएगा। देखो ये बात उनकी होती है जिनके मन के अंदर वासना बनी है, वो मन के अंदर वासनाएं बनी रहती हैं, उनका अभ्यास करते रहते हैं, ब्रह्म सभी जीवन जिनका ठीक नहीं हो पाता उनको स्वर्ग भोगना पड़ता है और फिर दोबारा जन्म मिलता है, दोबारा जन्म कर फिर अभ्यास करता है। किंतु यदि समाधि लगाते लगाते वासना मन में नहीं है और काल का समय आ गया, पूर्णता मिली नहीं है, योगदर्शन हमें बतलाता है स्वपुक कर्म कर्म निरपक कर्म कर्म तत्व विभाग संयमात अपरांत ज्ञान वरिष्ठि भ्योवा। इस सूत्र का अर्थ ये है कि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो गीली लकड़ी की तरह चलते हैं, गीली लकड़ी पर आग लगाने लगो तो जल के नहीं रहती, बहुत देर में जल पाती, और निरपक कर्म कर्म इस प्रकार के होते हैं जैसे सूखा इंद्र होता है कपूर की तरह जल जाते फौरन। तो मृत्यु का ज्ञान कैसे हो उसका उपाय पतंजलि ने बताया है, स्वपक कर्म कर्म निरपक कर्म कर्म तत्व विभाग संयमात अपरांत ज्ञान वरिष्ठ भ्योवा। उन कर्मों में संयम करने से मनुष्य को मौत का ज्ञान हो जाता है, क्या लक्षणों से ज्ञान हो जाता है, आकार चेष्टया भाषणीन से नेत्र वक्त विकार ज्ञायते अंतर्गत मन, आकारों से चेष्टा से हरकतों से मनुष्य के भीतर के मन का योगी
जी को ज्ञान हो जाया करता है। तो मैं तुम्हें इसलिए अच्छा ये ठीक है था कि ठीक है। तो मैं एक उदाहरण तुम्हें बताता हूं। देखो जो योगाभ्यास करते करते जो भ्रष्ट होकर के स्वर्ग में जाते हैं उनको जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेंगे करोड़ों वर्ष के बाद जन्म लेकर के फिर योगाभ्यास करेंगे योगी बनेंगे। हमारे कई बच्चे इस प्रकार के हैं जिनके उदाहरण मैं फिर बताऊंगा। आज मैं एक बच्चे की बात तुम्हारे सामने बताता हूं और वो लड़का जिंदा मौजूद है और कानपुर में है। वो उसको अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हो गया। वो कहीं पर योगाभ्यास करता था उसके गांव का नाम मुझे याद नहीं रहा किंतु हमारे बच्चे सुरेश चंद शर्मा जो क्या नाम शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको उसका नाम और पूरा पता बिल्कुल बिल्कुल याद है। वो योगाभ्यास करता करता एक उसका साथी और था गांव के रहने वाले थे दोनों। वो दूसरा साथी था वो खाओ पी आदमी था वो कुछ बदल नहीं करता था। ये उसको कहता रहता था तुम योगाभ्यास किया कर तो ध्यान में बैठा कर किंतु वो नहीं बैठता था। तो उसके बाद उसको अपनी मृत्यु का ज्ञान हुआ किसको योगाभ्यास करने वाली लड़की किंतु समाधि में पूर्णता थी नहीं। तो मैंने जो सूत्र भी तुम्हारे सामने कहा था स्वपक्रम कर्म निर्पक्रम कर्म तत्र विभाग संयमात अपरांत ज्ञान वरिष्ठ्यो वा इस सिद्धांत के अनुसार अपने किचल जैसे गीले कर्मों को और हवा के बारे सूखे उठने वाले कर्मों के मध्य योगी संयम करता है तो उसको अपनी मौत का ज्ञान हो जाता है। उस लड़के को मौत का ज्ञान हो गया कि मेरी आयु फलाने दिन पूरी हो जाएगी मैं गुजर जाऊंगा शरीर में छूट जाए ऐसा पूर्ण ज्ञान उसको हो गया। जब ज्ञान हो गया तो मृत्यु के समय उसने समाधि लगा ली और समाधि लगा करके उसने प्राण छोड़ दिए मर गया। उसका जन्म आज कल कानपुर में हुआ है और कानपुर में कानपुर के अंदर जिसमें हमारा युग प्रचार कार्यक्रम बड़ा था उस बच्चे को मेरे सामने बुलाया गया था। उसकी उम्र जिस समय मेरे सामने आया उस समय 20-25 साल का था। अब वो 30-35 साल का 10 वर्ष की बात हो गई है 35 तारीख के लगभग पहुंच गया होगा। तो मैंने उससे सारी बातें कही उसने अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बतलाई। वो जो उसका साथी था जो कि गन्नी गन्नी चौंक कर रहा करता था ईख भी बड़ी आयु क्योंकि ये बच्चा जिस समय हमें कानपुर में मिला उससे 4-6 वर्ष पहले अपने पिछले जन्म के 36 वर्ष के लड़के की शादी करके आया था। पिछले जन्म का लड़का उसका 36 वर्ष का कुंवारा था। इस जन्म में ये लड़का बड़े ऊंचे धनवार घर में इसका जन्म हुआ है पहले गरीब घर में था। इस घर की संपत्ति से अपने पिछले जन्म के 36 साल के लड़के की शादी उसने इस जन्म की संपत्ति से कर खाए। पिछले जन्म की अपने स्त्री बच्चों को सबको पहचान लिया। अच्छा उसके बाद वो जो उसका साथी था जो केवल गन्ने चौंक करके वहां सोया रहता था इसमें भजन ध्यान कुछ नहीं करता था वो बड़ी उम्र होकर के ये नौबत उसकी आई। वो निहायत गरीब था इसलिए भीख मांगने लग गया बैठकर भीख मांग करके पैसा पैसा दो दो चार पांच पैसे अपना गुजारा किया करता था। ये बच्चा जब योग ध्यान से शरीर छोड़ कर गया ये एक दिन ऐसे बाजार में कहीं घूमता घूमता चला गया ऋषिकेश में वहां पर उस भिखारी को देखा किसने पहचान लिया पहचान कर गए
भिखारी बना बैठा है, ले मेरे से ले 100 रुपए, तू एक एक पैसा मांगता है, तू मेरा दोस्त है। जो दोस्त कहने वाली लड़की इतने वर्ष में 12-14 साल की थी, 15 साल की, और भिखारी की उम्र थी सैकड़ों वर्ष की, 80 साल से ऊपर की। तो वो भिखारी करने गए हैं, बाबू जी मैं आपका दोस्त कैसे? अरे हाँ मेरा दोस्त तो तू नहीं जानता, तू ये बतला तू कौन से काम का है, कोई फलाने काम का? मेरा एक दोस्त था जो ईख में जाया करते थे। हाँ बाबू जी वो तो मेरा दोस्त था, उसके बदन बदन की बदन करने की आदत थी, वो बहुत करता था भजन करने के लिए, किंतु अपने आप भजन करने बैठ जाता और वो तो कई कई घंटे तक बैठा ही रहता था, मैंने तो किया नहीं। तो वो कहता है 14-15 साल का लड़का, फिर पूछता कच्चा कितने वर्ष हो गए उसके बड़े हुए, उसके बड़े हुए 14-15 वर्षों की आदत हुए नहीं, बड़ी उम्र थी उसकी भी, मेरी भी थी, काफी दिनों से भजन किया। अच्छा देख मैं वही हूँ, उसको देख के कहने आए बाबू जी आप कैसे हो सकते हैं, आप तो 15-14 साल के लड़के हो, आप कैसे हो सकते हैं? कि कैसे नहीं, मैं ही हूँ वो जो वहां ध्यान में समाधि लगा कर बता, तेरी मैंने बहुत कुशन करी, तू भजन कर ले भजन कर ले, क्योंकि तुमने एक दिन भजन किया उसकी फलस्वरूप तू भिखारी बना बैठा है, ले ले मेरी सुना 100-200 रुपये ले ले। तो चक्कर में पड़ गया वो, कहने अच्छा बाबू जी आप वही हैं? कहा मैं वही हूँ, अब मेरा धर्म जो है बहुत भगवान घर में है, उसमें गरीब वर्ग था, इसमें लेख है गीता के अंदर सूची नाम श्रीमतान ये है, जो भ्रष्ट हो भी जाए थे, जो भ्रष्ट हो जाता है योग जिसमें पूर्णता नहीं मिलती, वो पवित्र धनवान घरों में उसका जन्म हो जाता है। अथवा बिना में कुले भक्ति हीनता, क्या योगियों के घर में उसका जन्म हो जाता है? ये तब भी दुर्लभ तरंगों के धर्म यदि दृश्यम, इस प्रकार का धर्म भी आजकल इस समय में अत्यंत दुर्लभ है। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक है, बहु प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम विदेहानाम देवानाम प्रकृति लयानाम योगिनाम बहु प्रत्यो भवती। इसमें बहुत इस प्रकार की गाथाएं याद आ रही हैं, जिनको जन्म लेते ही अपने पूर्व जन्म का ज्ञान, यहां दिल्ली के अंदर एक लड़का था हिंदू कॉलेज में पढ़ता था, उसको भी इसी प्रकार का ज्ञान था और जन्म से ही उसका ध्यान स्वाभाविक लगता था। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये कि विचारानंद समाधि का जिक्र मैंने अपने व्याख्यान में कल कर दिया था तुम्हारे सामने, किंतु उसमें विघ्न बाधाएं आया करती हैं, उनका निराकरण भी कर दिया। आज के इस व्याख्यान के अंदर इतनी थोड़ी देर के अंदर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि जो लोग असंगतात्मा हो जाते हैं, योगी योगाभ्यास करते करते जिनका मन विचलित भी हो जाता है, तो उत्तम स्वरूप करोड़ों वर्ष भोगने के बाद फिर उनको मनुष्य जन्म मिल जाता है, और मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद फिर वो अच्छे प्रकार से योगाभ्यासी पूर्ण योगाभ्यासी बन जाते हैं। मैं लंबी बात को नहीं बढ़ाऊंगा, हमारा बच्चा अशोक अशोक था, एक्साइज इंस्पेक्टर था, उसने बड़े तीव्रता अनुष्ठान किए तबे तकड़े, और उसका बहुत तक में शरीर छूट गया अनुष्ठान करने। पहले मेरे पास कार्तिक के महीने में समय ही आया और उसने कहा कि आप मुझे प्रोग्राम दे दो, उस समय वो चरखी दादरी में था। मैंने उससे कहा भाई आजकल तो प्रोग्राम देना मुश्किल है, तेरे को फागुन में देंगे प्रोग्राम। कल गुरु जी फागुन तो मुझे आएगा ही नहीं, तो मुझे प्रोग्राम तो अभी दे दो। मैंने कहा अशोक ऐसा क्यों कहता है? खैर उसके हट करने पर मैंने उसको प्रोग्राम दे दिया, चरखी दादरी का प्रोग्राम खूब धूमधाम से उसने किया। इतना घी प्रोग्राम भाइयों को प्रश्न था कि भाई के हाथ का खा लोगी फिर नहीं मिलेगा, भाई के हाथ का खा लो। खैर प्रोग्राम करके हम आ गए, उसको एक दिल का दौरा पड़ा, वो रोज तक आ गया, हम रोज उसको देखने गए। कहने लगा गुरु जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई ऐसी बात नहीं, हम अभी मेरे साथ चुकी थी। उसके बाद हम कानपुर का प्रोग्राम था, वहां चले आए। कानपुर से हमने फोन किया, फोन करके पूछा अशोक की कहीं
तबीयत कैसी है। तो वहां से जरा मिला कि 1 बजकर के 10 मिनट 5 मिनट पर कल शरीर छोड़ दिया, 1 बजकर के 10 मिनट पर। खैर वो टाइम हमने नोट कर लिया। कानपुर में एक बड़े भारी ज्योतिषी थे कालीचरण शर्मा, उनसे हमने कहा भी ज्योतिष के हिसाब से देखो हमारे बच्चे क्या गति। उसने मुझसे कहा कि महाराज ये तो गया ब्रह्म लोक को और फिर उसके बाद रख के तैक ब्रह्म लोक को तो गया, किंतु ये से हिमालय से संबंध तो इसका रहेगा, हिमालय से संबंध तो इसका रहेगा। कहने का अभिप्राय ये करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग भोरी बाद फिर जन्म ब्रिक आएगा, फिर हिमालय से संबंध रहेगा ये। उसके बाद बनारस जाकर के हमने एक ज्योतिषी से उसके बारे में पूछा, तो उस ज्योतिषी ने भी यही बात कही कि महाराज तो दिव्य स्वरूप को गया है, दिव्य स्वरूप को गया है, पर जन्म तो वो लेगा तो करोड़ों वर्षों में, फिर दोबारा योग अभ्यास करेगा। तो गीता के सिद्धांत के साथ सारी बात बिल्कुल। इस तरह से हमारे कई बच्चे जिनको अपनी मृत्यु का ज्ञान पहले से हो गया। देखो राजनारायण हमारे स्वास्थ्य मंत्री मेरे खास बच्चे थे, मैंने उनके अंदर एक विशेषता की बात देखी। देखो शिष्य तो हमारे बहुत से नेता हैं, प्रेमवती तिवारी है, रामदेव शुक्ल हैं, और भी दिल्ली में भी कई मंत्री वगैरह हैं हमारे वो हैं, किंतु राजनारायण का आत्मसमर्पण बहुत बड़ा आत्मसमर्पण था, और उस राजनारायण को भी अपनी मृत्यु का ज्ञान पहले से हो गया था। दिल्ली में एक युवक सम्मेलन था, उसमें मैंने जाना था, मैंने कहा 28 अगस्त को 30 अगस्त को सम्मेलन है, तो राजनारायण के लिए गुरु जी आप आ जाना इस सम्मेलन में। मैंने कहा भाई आ जाऊंगा सम्मेलन, रहा तो आ जाऊंगा, कहिए नहीं सम्मेलन हो या ना हो 28 अगस्त को आ जाना आप। मैंने कैसी क्या बात है, वैसे आपका बच्चा तभी तक है। बात बिल्कुल सत्य निकली, हम 28 अगस्त गए, राजनारायण अस्पताल में थे, हम उनको देखने के लिए गए, मुझे प्रणाम किया, मुझे कहा कि राजनारायण कैसे हो, कि बस गुरु जी आपके दर्शन हो गए अब ठीक है। तो बस उसके बाद कहिए अब ठीक है, 2 दिन की बात है, ठीक 2 दिन बाद 30 अगस्त को राजनारायण श्री छोड़ दिया। हवाई जहाज से उसको लेके बनारस में हमारा भी पूरा तो हम भी चले गए थे, किंतु मैंने अंतिम समय देखा राजनारायण को कि वो लेटे नहीं थे, अपने गुरुमंत्र का जाप कर रहे थे, ध्यान में लेटी हुई थी, कब खांसी की बीमारी कुछ नहीं हुई। तो इसलिए देखो मैं तुम्हें इतनी बड़ी बातें क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं दोनों हाथों में लड्डू है, अभ्यास पूर्ण तो हो गया तो योगी बनोगे ही बनोगे उस लड़के की तरह, कानपुर वाले की तरह से। जन्म तो लेना पड़ जाएगा, क्यों कि एक जन्म में पूर्णता मिलनी जरा कठिन होती है, किंतु उस योगी अभ्यासी कानपुर वाले बच्चे की तरह से उत्तम पूर्व में जन्म देकर फिर योगाभ्यास करूंगी। अब उसकी सहज समाधि है, बचपन से ही वो समाधि लगाता है। सुरेश चंद शर्मा से पूछ लेना, उनके पास उसका पता नोट है, उससे बिदाना जाकर बात कराना, मुझे भी जानता है वो उसी तरह से। अच्छा कदाचित हो गई विफलता, वासना ने बीच में तंग कर दिया, अभ्यास पूर्ण नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद भी दिव्य स्वर्ग जो गोपालन जी के बारे में कहा, जो अशोक के लिए कहा करोड़ों वर्ष के लिए गया ब्रह्म लोक, गया ब्रह्म लोक, तो वहां जाकर के तो वहां पर स्वर्ग की बातें मैंने तुम्हें बताई दी है, दिव्यता होती है, और फिर विशेषता ये बात दो बातें हुआ करती हैं, जो तप करके स्वर्ग में जाते हैं वो तो स्वर्गीय भोग भोग करके यहाँ आते हैं, यहाँ फिर उनको स्वर्गीय भोग मिलते नहीं, मृग तृष्णा की तरह फिरा करते हैं, उनका पतन हो जाता है, फिर तप से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक। अब जो योग भ्रष्ट होकर स्वर्ग में जाते हैं उनका तो ये होता है वहां जाकर किए योग भ्रष्ट होकर चले गए, जहां जब मनुष्य रूप में जन्म लेंगे तब उनकी समाधि लगने लगेगी,
अपना फर्ज था उनके अंदर बिल्कुल नहीं रखती। तो इसलिए इतनी बातें समझाने का मेरा अभिप्राय केवल बात एक है, तुम्हें ये तो लालच करना नहीं कि चलो अब तो स्वर्ग में चले जाएंगे, ये नहीं लालच करना, तुम तो योगी बनने की चेष्टा करो। कदाचित किसी प्रकार की विफलता हो भी जाती है तो योगी को तो जेल के रूप में मिलता है स्वर्ग। जो स्वर्ग के लिए लोग कोशिशें करते रहते हैं, यत्न करते रहते हैं, लाखों यत्न करते रहते हैं, उनको जेल के रूप में मिलते हैं। और फिर वो जिस तरह हमारे राजधानी वगैरह तिहाड़ जेल भी नहीं थी, नेताओं के जेल में क्या दुख होता, कुछ भी नहीं, इतना ही होता, बाहर नहीं निकलने देते, बीते ऐश आराम, सब पंखे चलते लेते रहते, खान पान बच्चे सब कुछ चीज मिलती। तो स्वर्ग लोक के अंदर यदि योगी योग से विचलित हो जाए, दिव्य स्वरूप का उपभोक्ता बन जाता है, और उसके बाद फिर जन्म लेते उसको योग ध्यान लगने लग जाता है, समाधि होने लग जाती है। इसलिए यस्मिन जाति सर्वमिदं ज्ञातं भवति शेषा योग विद्या, इसको दान करके सब कुछ जान जाता है, वो हमारी योग विद्या है। तो अपने गुरुमंत्र का हर समय चलते फिरते उठते बैठते जाप करो, प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे तक बराबर जप करते हो, उसके बाद ध्यान में बैठो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, जो इस प्रकार का काम करेंगे उनको ऊंची सफलता मिलेगी, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब मैं अपने कल के व्याख्यान में एक दो कोई और उदाहरण इस प्रकार के सुनाए हुए तो बीच में सुना दूंगा, नहीं तो आनंदानुगत समाधि के अंदर मनुष्य की स्थिति के अंदर रहता है जीवन।